Today on San Kustom Garage. हेलो गाइस वेलकम बैक टू सान कस्टम ग्राज वंस अगेन। सो पिछले महीने मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को एक फुल्ली कस्टमाइज्ड सेंटी टॉयज की मारुति की स्विफ्ट डिजायर दिखाया था। ऑफ कोर्स मैं उस सिल्वर कलर की कार की बात कर रहा हूँ जिसमें ब्लैक कलर की व्हील्स था और मैंने काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन भी डाला था। बिल्कुल रिसेंटली दो दिन पहले मैंने उस कार को कम्प्लीटली वन रैपिंग कर दिया और वो भी रिफ्लेक्टिव व्हाइट कलर में, और अब कार पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है और ये देखने से पता भी नहीं चलता है कि इस कार को एक्सटर्नल में वन रैपिंग किया गया है। तो क्या आप इस कार को देखेंगे तैयार हो? ओके, ऐसा कार बस यहाँ आने वाला है। 1, 2 and 3 तड़ा, द फुल्ली कस्टमाइज्ड मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर ओरिजिनली फ्रॉम सेंटी टॉयज। ये देखिए, ऑफकोर्स ये एक्चुअल में वही कार है जो कि हमने बस पिछले महीने ही उस वीडियो में दिखाया था, लेकिन अब कार पूरी तरह से व्हाइट कलर की बन चुका है। सो उससे पहले कि मैं आप लोगों को इस कार के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताऊं, चलिए कार का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। सो ये कार, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि ये कार ओरिजिनली सिल्वर कलर का था। मैंने बस पिछले महीने इस कार के ऊपर एक वीडियो बनाया था और तब कार की कलर सिल्वर ही था और व्हील्स ब्लैक कलर की थी और मॉडिफिकेशन तो ऑलमोस्ट ऐसा ही था जैसे कि अभी है, लेकिन मैंने इस कार को एक्चुअली में व्हाइट कलर में क्यों रैपिंग कर दिया? वेल, उसके पीछे का रीज़न ये है कि वेल इवन आप जानते हैं कि सेंटी टॉयज के मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर का व्हाइट कलर बहुत ही रेयर है। जितना कि मुझे पता है शायद व्हाइट कलर शायद अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक मार्केट में सेंटी टॉयज स्विफ्ट डिजायर की व्हाइट कलर कभी भी नहीं दिखा है। सो मोस्ट लाइकली शायद अभी तक उन्होंने व्हाइट कलर की मॉडल बनाया नहीं है, और अब क्योंकि रियल लाइफ में स्विफ्ट डिजायर ज़्यादातर व्हाइट कलर में देखने को मिलता है, और इसलिए मैंने सोचा कि अगर इस कार को मैं व्हाइट कलर में वन रैपिंग कर दूंगा तो इससे कार यूनिक तो बन जाएगा और उसके साथ साथ ही कार रीस्टोर भी हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो पुरानी कलर था वो काफ़ी बहुत स्क्रैच लग गया था। वेल, दूर से देखने से पता नहीं चलता था, लेकिन पास से देखने से पता चलता था कि बॉडी में काफ़ी सारे डार्क था, और ये देखने से पता चलता था कि कार काफ़ी बहुत पुराना हो गया है जिसे बस थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके नया जैसा बनाया गया है। और इसलिए मैंने सोचा कि कार को फिर से पेंट करने के बजाय या फिर सिर्फ उन स्क्रैचेस को ठीक करने के बजाय अगर पूरी कार को वन रैपिंग कर देंगे तो इससे कार यूनिक तो बन जाएगा और उसके साथ साथ ही कार पूरी तरह से रीस्टोर भी हो जाएगा। सो फाइनली बग रोटा है आपको कार के सारे मॉडिफिकेशन के बारे में बताने का कि इस कार में एक्सपेल में क्या क्या चेंजेस किया गया है। सो सबसे पहले बारी आती है कार की फ्रंट एंड की। अगर फ्रंट एंड की बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि तब था जब कार की कलर सिल्वर हुआ करता था।
ग्रिल वगैरह और फॉग लैम्प्स और हेडलाइट्स वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही है, ऑलमोस्ट नहीं मतलब टोटली वैसा है, क्योंकि वैसे भी ये सारी चीज़ें मैंने रैपिंग के वक्त निकाल दिया था, सो इसीलिए इनमें रैपिंग नहीं लगाए। हालांकि मैं हेडलाइट्स को नहीं निकाल पाया था क्योंकि हेडलाइट्स बॉडी बुरी तरह से फिट है, यानी बॉडी टाइटली फिट है, अगर मैं इन्हें निकाल देता तो शायद हेडलाइट्स अंदर से टूट जाता, और इसलिए मैं हेडलाइट्स को नहीं निकाला और मैंने साइड से होकर साइड रैपिंग को काट दिया, जिसकी वजह से हेडलाइट्स में कहीं से भी मतलब कोई भी ग्लू वगैरह नहीं लगाए। अगर आप अच्छी तरह से देखें तो इस रैपिंग में कहीं में भी कोई मतलब कोई जॉइन नहीं पड़ा है, बस यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा जॉइन नजर आएगा, जो कि वैसे भी कॉमन है क्योंकि हुड वाले पार्ट को एक सिंगल रैपिंग किया गया है, बम्बर को भी एक सिंगल रैपिंग किया गया है, और इवन सारे पैनल्स को इस तरह से एक सिंगल रैपिंग की मदद से ही किया गया है, क्योंकि बहुत सारे जॉइन मैंने पढ़ने के लिए नहीं दिया है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जॉइन पड़ जाता तो इससे ये दूर से देखने में पता चलता कि इस कार को एक्चुअल रैपिंग किया गया है। वेल सामने का हिस्सा ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे कि ओरिजिनली था, बस ये सब कुछ रैपिंग का काम है, बस यही सभी डन हुआ है। सो नेक्स्ट बारी आती है कार की साइड प्रोफाइल की, अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में कुछ नई चीज़ें डन हुआ है, जो कुछ भी ये सब पिलर्स चीज़ें ये सब बाद में पेंट किया गया है, एक्चुअली में इनके ऊपर भी मैंने रैपिंग कर दिया, फिर उसके बाद रैपिंग के ऊपर पेंट कर दिया। वेल ये सब कुछ तो ओरिजिनल ही ब्लैक था, लेकिन मैंने इनमें फिर से रैपिंग इसलिए कर दिया, यानी कि सबसे पहले तो मैंने इन सबको वाइट कर दिया, फिर उसके ऊपर फिर से ब्लैक कलर की पेंट कर दिया, जिसकी वजह से अब ये जो कुछ भी पिलर्स चीज़ें ये सब देखने में थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। वैसे भी जो कुछ भी पुराना पेंट था वो काफ़ी बहुत उनमें स्क्रैच लग गया था, और दूर से देखने से पता चलता था कि मैं थोड़ी बहुत पुराना हो गया है, और अगर मैं उसके ऊपर फिर से पेंट कर देता तो इससे स्क्रैच थोड़ा सा और नोटिसेबल हो जाता, और इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को पूरी तरह से रैपिंग कर दिया, फिर उसके ऊपर पेंट कर दिया, जिसकी वजह से अब ये जो कुछ भी पिलर जैसे चीज़ें ये सब कुछ बिल्कुल स्मूथ हो गया। अगर डोर हैंडल्स जैसी चीज़ों की बात करें तो ये सभी रीपेंट हुआ है, हालांकि यहाँ डोर हैंडल्स के कॉर्नर में रैपिंग थोड़ा सा अनस्मूथ हुआ है, या दूर से देखने से थोड़ी बहुत पता चलता है, बट दूर से पता नहीं चलता है लेकिन पास से देखने से पता चलता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत ये सब जॉइंट पड़ा है, बस जॉइंट नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पोर्शन कट गया है, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये सब हो ही जाता है, वैसे भी इतनी स्मूथली करना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर इन साइड पीरिंग्स की बात करें तो साइड पीरिंग्स को एक्चुअली में मैंने पेंट ही कर दिया है, लेकिन हाँ इन्हें पेंट करने के बाद मैंने कार को पूरी तरह से मास्किंग कर दिया था, ऑफकोर्स मैंने मास्किंग इसके लिए कर दिया था क्योंकि अगर मैं मास्किंग नहीं करता तो इससे पेंट इधर उधर लग जाता, और एक बार इनमें अगर कोई पेंट लग जाता है तो फिर उसके बाद पेंट निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, सो इसलिए मैंने पेंट लगने नहीं दिया है, और मैंने पूरी तरह से मास्किंग कर दिया था, और फिर जैसे पेंट कम्प्लीट हो गया उसके बाद मैंने मास्किंग निकाल दिया, जिसकी वजह से पेंट सिर्फ बीडिंग पे ही लगा, हालांकि बीडिंग नीचे से अच्छे से पेंट नहीं हुआ है, बस टॉप से ही पेंट हुआ है, लेकिन हाँ इसके वजह से आप कार साइज से थोड़ी बहुत अच्छी दिख रही है और ज़्यादा बेटर दिख रही है। सो नेक्स्ट बार याद ये कार की रियर एंड की, अगर रियर एंड की बात करें तो टिंटेड विंडोज तो कार में पहले से ही डन हुआ था, यानी कि मैंने इसे काफ़ी समय पहले ही कर दिया था, जो पुरानी वाले जो टिंटेड विंडो था ये अभी तक वही है, लेकिन हाँ मैं बाद में इस विंडो को फिर से स्टॉक कंडीशन की बनाने की सोच रहा हूँ, और सारे विंडोज़ को थोड़ी स्मोक इफेक्ट टाइप की लुक देने की सोच रहा हूँ, यानी कि विंडोज़ क्लियर ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। भाई ये तो फिलहाल एक प्लान है, लेकिन मैं आने वाले फ्यूचर में वैसा कुछ करने की सोच रहा हूँ। टेल लाइट्स की बात करें तो टेल लाइट्स में कुछ भी डर नहीं हुआ है, यानी कि टेल लाइट्स मतलब यानी कि मैंने पहले जो टेल लाइट्स को जिस तरह से रखा था अभी तक टेल लाइट्स ऑलमोस्ट वैसा ही है, ऑलमोस्ट नहीं टोटल ही वैसा है, क्योंकि मैंने टेल लाइट्स में कुछ नहीं किया है। हेडलाइट्स और टेल लाइट्स भी कुछ नहीं डन हुआ है, क्योंकि वैसे भी इन सब में और कोई मॉडिफिकेशन करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने इन्हें ऐसा ही रहने दिया। लेकिन हाँ इस ब्लैक वाले लाइन को बाद में बना दिया गया है, इसे भी पेंट ही कर दिया गया है। वेल पिछली बार जब कार की कलर सिल्वर था तो इसमें आप लोगों को याद ही होगा कि यहाँ पर ये वाला हिस्सा व्हाइट कलर की बना दिया गया था, लेकिन अब क्योंकि पूरी कार व्हाइट कलर की हो गया सो इसलिए उस हिस्से को व्हाइट रखने की वजह से वो थोड़ी बहुत अच्छी नहीं दिख रहा था, और इसलिए मैंने उस चीज़ को पूरी तरह से ब्लैक कलर की पेंट कर दिया। वैसे भी सेंटी के मॉडल्स में ऐसा चीज़ें ज़्यादातर ब्लैक कलर की ही आता है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो स्विफ्ट डिजायर का जो कुछ भी बैजिंग था अब वो सब पूरी तरह से हट गया है, लेकिन हाँ मैं बाद में उन्हें भी फिर से लगाने की सोच रहा हूँ। लाइसेंस प्लेट की बात करें तो लाइसेंस प्लेट तो अभी तक ओरिजिनल ही है मैंने, लेकिन हाँ इन रैपिंग को करने के बाद मैंने कॉर्नर्स को पहले से काट दिया था, यानी कि रैपिंग को करने से पहले ही मैंने स्लॉट्स बना दिया था, जिसकी वजह से जो कुछ भी लाइसेंस प्लेट जैसी चीज़ें इनमें कहीं से भी कोई वानल नहीं लग गया है। यहाँ पर बम्पर के ये वाला हिस्सा, यानी कि मैं इस ब्लैक कलर की लाइन की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा अनस्मूथ था, और इसलिए मैंने इस हिस्से में एक ब्लैक कलर का एक बीडिंग कर दिया, जिसकी वजह से अब ये बीडिंग थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, और इवन जो अनस्मूथ जो एरिया था अब वो भी नज़र नहीं आ रहा है। अगर नीचे के हिस्से की बात करें तो नीचे के हिस्से को भी रीपेंट कर दिया गया है। पिछली बार जब मैंने आपको कार दिखा रहा तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा ब्लैक कलर की वाइनल रैपिंग किया हुआ था, ये मैंने वो रैपिंग निकाल दिया और अब इसे मैंने पूरी तरह से ब्लैक कलर की पेंट ही कर दिया। अब पेंट करने की वजह से अब कार दिखने में ज़्यादा बेटर दिख रही है और ज़्यादा स्मूथ दिख रही है। और एक और ज़रूरी चीज़ जो कि मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया था, और वो है कार का व्हील्स। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो व्हील्स को ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर दिया था, तो मैंने इसे एक्चुअली में फिर से स्टॉक कंडीशन की कैसे बनाया। एक्चुअली में मैंने इन्हें स्टॉक कंडीशन की नहीं बनाया, बल्कि मैंने व्हील्स को कम्प्लीटली रिप्लेस ही कर दिया एक दूसरे सेंटी टॉयज की मॉडल्स के साथ। ऑफकोर्स अब क्योंकि ये एक्चुअल में देखने में तो एलॉय व्हील जैसी लगती है,
पर इन सेंटिटोज के मॉडल्स में ये सब एक्चुअली में व्हील कवर्स है, ऑफ कोर्स व्हील कवर्स, जो कुछ भी टायर से, अगर आप टायर को थोड़ा सा मोड़ेंगे तो ये व्हील कवर्स आप आसानी से निकाल सकते हैं और इन्हें फिर से रिप्लेस भी कर सकते हैं। मैंने टायर को रिप्लेस नहीं किया है, बस व्हील कवर्स को रिप्लेस कर दिया है एक और दूसरे मॉडल के साथ, जिसकी वजह से आप कार देखने में ज़्यादा बेटर दिख रही है। और जो ब्लैक कलर की जो पुरानी व्हील्स था, अब मैं उन्हें की अपने किसी और दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा। इवन बता दें कि मैं इस तरह से पार्ट स्वैप करता ही रहता हूँ, एक मॉडल की पार्ट्स दूसरे मॉडल में लगाना, फिर उसकी पार्ट एक और मॉडल में लगाना, ये सब तो मैं करता ही रहता हूँ, ये सब मेरे लिए प्रीटी कॉमन है। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में कुछ भी डन नहीं हुआ है, इवन इंटीरियर विंडोज और बाकी जो कुछ भी पार्ट्स है उनमें कुछ भी डन नहीं हुआ है, यानी कि पहले कार जैसा था ऑलमोस्ट वैसा ही है। मैंने बस बॉडी में ध्यान दिया और बॉडी को पूरी तरह से रैपिंग कर दिया, और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है, इस कार को बिना हीटिंग गन की मदद से रैप किया गया है। ऑफ कोर्स ज़्यादातर इस तरह के रैपिंग के वक्त हीटिंग गन की एक्चुअली में ज़रूरत पड़ता ही है, लेकिन मैंने अपने सिर्फ हाथों की मदद से ये सारे रैपिंग किया है, तभी तो यहाँ पर कुछ जगह स्मूथ नहीं हुआ है, क्योंकि हाथों से इतना स्मूथ करना मुमकिन नहीं है। लेकिन मैंने ये कोशिश किया है कि मैं इस कार को हाथों से बिना हीटिंग गन की मदद से ही जितना उसके उतनी स्मूथली डन करने की कोशिश करूँगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाथों से मैं करने के हिसाब से ये काफ़ी बस स्मूथ ही हुआ है। अगर आप इसे अच्छी तरह से देखें तो दूर से देखने से ये पता भी नहीं चल रहा है कि इस कार को एक्सीडेंट में रैप किया गया है, पास से देखने से पता चलता है कि यहाँ पर कुछ जॉइंट्स है, जिससे ये पता चलता है कि इसे एक्चुअल में वाल रैपिंग किया गया है। लेकिन दूर से देखने से तो ऐसा लगता है कि मानो ये ओरिजिनली ही कंपनी से ही व्हाइट कलर की आया था, बिल्कुल वैसा ही लगता है। इवन अगर मैं आप लोगों को इस कार को अच्छी तरह से फोकस करके नहीं दिखाता और इस तरह से दूर से दिखाता, शायद आप भी यही सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने व्हाइट कलर की कार को बस इस तरह से झूठ में जोक से बोल रहा हूँ, आप भी शायद वही सोचते हैं। लेकिन आप क्योंकि मैं सारी चीज़ें फोकस करके दिखा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग ये चीज़ एक्चुअल में समझ सकते हैं कि इसे एक्चुअल में रैपिंग ही किया गया है। और ये चीज़ मैं यकीन कह सकता हूँ कि आज तक किसी ने भी बिना हीटिंग गन की मदद से इतनी प्रॉपरली रैपिंग शायद अभी तक नहीं किया है। हाँ, सो चले गए अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी मेरी एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको ऐसे ही और भी कमाल की कस्टमाइज की गई और इस तरह से वाइनल रैप की गई स्केल मॉडल कार्स दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक अगर आपको ये वीडियो से पसंद आया, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू वीडियो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।